माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सरकारी कामों में तेजी लाने के लिए विभिन्न प्रकार की ई गवर्नेंस सर्विसेज उपलब्ध कराई गयी। आइए ऐसे ही कुछ उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं। सरकारी कामकाज तेज करने की राह में ही देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा ई कलेक्टोरेट की शुरुआत की गई। ये एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर देहरादून के नागरिकों द्वारा किए गए आवेदनों, याचिकाएं एवं शिकायतों का लेखा जोखा रखा जाता है। इसका उद्देश्य अधिकारियों तक ये फाइल जल्दी पहुँचाना और फलस्वरूप फाइल जल्दी पास करवाना भी है। हर फाइल की एक समय सीमा होती है ताकि ज्यादा वक्त तक एक जगह पर अटकने के बजाय फाइल अपने आप एक श्रेणी ऊपर अफसर को ट्रांसफर हो जाए। अब आप और हम जैसे आम जन घर बैठे MDDA के ऑनलाइन पोर्टल की मदद से ही घर के एवं किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के नक्शे पास करा सकते हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी के इस ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम पे बिल्डिंग परमिट के आवेदन के साथ साथ आप और जानकारियां हासिल करने के लिए भी RTI दर्ज कर सकते हैं। MDDA द्वारा दिए गए नोटिस भी यहां प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि अनाधिकृत निर्माण से जुड़े नोटिस। अंत में विश्लेषण करें तो देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा आम जनता के लिए और भी कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की गई हैं। इनमें से कुछ हैं बिजली एवं पानी के बिल का भुगतान करना और साथ में ही आधार और पासपोर्ट जैसे सेवाओं की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाना। इस सब के बीच कहीं एक छोटा सा योगदान देहरादून स्मार्ट सिटी का पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी रहा। कागजों पर होने वाले कार्यों को ऑनलाइन कर देहरादून स्मार्ट सिटी ने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी के पर्यावरण बचाओ अभियान को भी कहीं न कहीं अपने देहरादून शहर की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में अपना हाथ बटाया। देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा लागू किए गए इन ई गवर्नेंस सॉल्यूशन से केवल देहरादून नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश को लाभ मिला है। जैसे कोरोना के वक्त देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा जिम्मेदारी उठाई गई संपूर्ण उत्तराखंड के लिए ई पास सिस्टम बनाने की, जिसकी वजह से प्रवासी आसानी से प्रदेश में आना जाना कर सकें। पूरे उत्तराखंड की कोरोना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा एक कॉमन पोर्टल पर वक्त वक्त पर अपलोड की गईं, ताकि हर आवश्यक सूचना जरूरतमंद सरकारी अफसर और डिपार्टमेंट के लिए मौजूद रहे। कोरोना काल पूरी दुनिया के लिए एक अत्यंत कठिन वक्त रहा, हजारों दिक्कतें और समस्याएं पनपी। हमारा देहरादून भी इस महामारी की चपेट में आया, मानो कि वक्त थम सा गया था। ऐसे में देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए इन ई सॉल्यूशंस के फलस्वरूप काम में तेजी होने से आम नागरिकों और सरकारी अफसरों दोनों को फायदा हुआ एवं एक मुश्किल समय में मदद मिली।